नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा में इन दिनों वायरल वीडियो की बहार। रीवा के हृदय स्थल ऋतुराज पार्क के पास दो महिलाएं एक व्यक्ति को चप्पलों से जमकर पीटती नजर आई। ठीक यहीं पर रीवा कमिश्नर बैठते हैं, डीआईजी का ऑफिस भी है, एसपी ऑफिस भी है, चंद कदम की दूरी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश है, लेकिन किसी ने भी महिलाओं के बीच में नहीं समझा। रीवा में वायरल वीडियो की बहार। एसपी ऑफिस के सामने ऋतुराज पार्क के अंदर और बाहर महिलाओं ने सरेआम अधेड़ पर बरसाई चप्पलें। महिलाएं एक आदमी को जमकर पीटती नजर आईं। अपने 10,000 रुपए की बात कर रही थी। हालांकि जब इस बारे में एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर से बात की गई तो उनका साफ तौर से कहना था, हमारे पास किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, हम वीडियो को संज्ञान में लेकर अब इस मामले में स्वयं कुछ कार्रवाई करेंगे। हम आपको बता दें, जिस जगह का यह वीडियो है ठीक वहीं पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, डीआईजी ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस ठीक सटा हुआ है, चंद कदम की दूरी पर रीवा का जिला एवं सत्र न्यायालय है, रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार शिल्पी प्लाजा के ठीक पीछे का ये है वाकया, जहां पर दो महिलाएं बारी बारी से एक व्यक्ति को चप्पल से पीटती नजर आती हैं। पहले उन्होंने ऋतुराज पार्क के अंदर उस शख्स की जमकर चप्पलों से पिटाई की, फिर उसको खींचते हुए बाहर लाई और बाहर भी उन्होंने उस व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की। हर शख्स वीडियो बनाते नजर आया, लेकिन बीच में पड़ना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। वहां पर जितने लोग भी मौजूद थे सबको ऐसा लग रहा था जो बीच में पड़ेगा वह भी महिलाओं के हाथों पीट सकता है। महिलाओं के गुस्से को देखकर ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। बारी बारी से महिलाएं उस व्यक्ति को पकड़ती हैं और अपनी चप्पल उतारकर जमकर पीटने लगती हैं। व्यक्ति केवल हाथ जोड़ता बैठा रहता है, कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाता। रीवा में पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप अपने स्क्रीन पर साफ तौर से देख रहे हैं, दो महिलाएं एक अधेड़ व्यक्ति को चप्पलों से पीटती हुई दिख रही हैं। महिलाओं का साफ तौर से कहना, अधेड़ व्यक्ति ने उनसे 10,000 रुपए लिए थे जिसे उसने वापस नहीं किए। इस बारे में जब हमने रीवा के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में किसी भी पक्ष ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज नहीं कराई। वायरल वीडियो के आधार पर हम जांच करेंगे। रीवा में पिछले 48 घंटे के दौरान कई वायरल वीडियो हुए जमकर वायरल, जिसमें से दो वीडियो ने जमकर सुर्खियां बटोरी। एक वीडियो हनमना सीमावर्ती उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा हनमना में वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ठेले में इलाज के लिए ले जाता हुआ साफ तौर से दिखाई दिया। वहीं दूसरा वीडियो रीवा के व्यस्ततम इलाके ऋतुराज पार्क, जहां पर सारे बड़े ऑफिसेस हैं, सारे बड़े अधिकारी के दफ्तर यहीं पर अगल बगल में हैं, वहां पर एक वीडियो वायरल हुआ जो हम आपके आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है दो महिलाएं एक व्यक्ति को जमकर पीट रही हैं, पहले ऋतुराज पार्क के अंदर, उसके बाद ऋतुराज पार्क के बाहर जहां पर डीआईजी ऑफिस है। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं महिलाओं की हिम्मत का। यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिलाओं के बीच में पड़ने मुनासिब नहीं समझा। उनको लग रहा था अगर हम बोले तो हम भी पीट सकते हैं। सुनिए, जब हमने इस बारे में एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था। सर, कमिश्नरी के पास पार्क में दो महिलाओं ने चप्पलों से पीटा है सर, ये घटना आपके माध्यम से संज्ञान में आई है? अभी तक हमारे यहाँ कोई उभय पक्ष में किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं की है। निश्चित रूप से ये सूचना हमारे तक पहुंची है, पता लगा करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।